तेज खबर 24 में इस वक्त रीवा से खबर आ रही है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत जयस्तम चौराहे पर संचालित फल दुकान के संचालक गोरेलाल को पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें कि आज सुबह ही कलेक्टर कमिश्नर सहित पुलिस अधीक्षक शहर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की व्यवस्थाओं को देखने निकले थे। इसी दौरान गोरेलाल फल वाले द्वारा सड़क पर दुकान बढ़ाकर फल बेचा जा रहा था। हम आपको बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के चलते इन दिनों कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके कारण दोपहर 12 बजे तक फल और किराना व्यापारियों सहित सब्जी व्यापारियों को छूट दी गई है। लेकिन जयस्तम में संचालित फल दुकान के संचालक गोरेलाल द्वारा नियमों को ताक पर रखकर सामने से दुकान में पर्दा लगाकर अंदर लगातार फलों की बिक्री कोरोना गाइडलाइन के पालन को न करते हुए की जा रही थी। इसके चलते कलेक्टर कमिश्नर और एसपी ने तत्काल दुकान पर जुर्माना की कार्रवाई करते हुए सील करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद दोपहर में पहुंची नगर निगम और पुलिस की टीम ने फल विक्रेता गोरेलाल के ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना किया। जुर्माना की राशि अदा न करने और मौके पर पहुंचे अधिकारियों से कहा सुनी करने को लेकर पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से गोरेलाल को गिरफ्तार कर सिविल लाइन थाने ले गई है। हम आपको बता दें कि गोरेलाल पुलिस और प्रशासन के ऊपर राजनीत रसूख के चलते लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन इस बार उसकी एक भी न चली और दुकान को सीज करते हुए 25,000 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई है। जनता के द्वारा प्रोत्साहित किया गया, लॉकडाउन का दिया गया है, इसके अंतर्गत जिन दुकानों को बंद किया गया था उस समय निश्चित किए गए थे और अन्य तरह के कुछ स्थानीय नियम कानून अपने बना था और इसका पालन कराया जा रहा था। उसी पालन के लिए हम लोग पूरे शहर में अलग अलग स्थानों पर जाकर और देख रहे थे, तो वहाँ पर इन्होंने कुछ इस चीज़ की अवज्ञा करना पाया था। नगर निगम की हमारी टीम यहाँ पर आई, उन्होंने इनको जुर्माना अधिरोपित किया। उनका बड़ी दुकान है और कई और भी दूसरी तरह की इनकी कमियाँ थी, तो जो जुर्माना राशि जमा करनी थी वो न जमा करके कुछ आपस में इनका बातचीत हुई थी वरिष्ठ अधिकारियों से और हम लोगों के आने पर उनको मौका भी दिया, बहुत देर तक उनको समझाई दी थी। प्रयास किया गया कि जुर्माना राशि जमा करें और जमा नहीं करने की दशाओं की अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि मतलब महत्वपूर्ण वो है और जुर्माना राशि जमा नहीं की है, ताजे तौर पर इसको सील किया जा रहा है। सर, दो लोगों की गिरफ्तारी की गई, गिरफ्तार भी किए गए कुछ लोग? जी नहीं, वो कुछ इन लोग से बातचीत कर रहे थे, तो उसी के लिए हम लोगों ने ताकि कार्यवाही में वो बाधा ना उत्पन्न हो या ऐसी स्थिति ना हो, तो उसके बाद उसके देखते और उनको मौका दे रहे हैं। और वैसे भी जो लोग मतलब इस तरह के लॉकडाउन की अवज्ञा कर रहे हैं उनको पूरी जेल में ऐसा रखने पर शासन का भी निर्देश, उसके अंतर्गत हमने उनको एडमिट किया और यदि वो जुर्माना जमा कर देते हैं और बाकी चीज़ कर देते हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये नहीं किया तात्कालिक तौर पर।